चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से इस्तीफा दे चुके पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो दिल से उनके साथ थे, उनका दिल टूटा है। उन्होंने कहा, जहां विचार की जगह पूंजी हावी होती है, वहां अराजकता का जन्म होता है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव कमल ने। समता पार्टी के पुराने नेता और कहले कि अब सैनिक में कहले तरीके से अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार और नीतीश कुमार के उस समय के करीबी दोस्त और जॉर्ज फर्नांडिस के एक तरीके से मान लीजिए कि सीख, मतलब एक शिक्षक थे वो और ये शिष्य थे। कहने हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार हैं, बात उनसे करेंगे क्योंकि उन्होंने पार्टी में विलय कराया और चिराग पासवान के साथ साथ देने में जुटे रहे जब उनके चाचा उन्हें उनको धोखा देते। धोखा मिला या चाचा ने धोखा दिया उसके बाद आपको धोखा मिला? देखिए, इसको धोखा ही कहेंगे क्योंकि अति विश्वास था मुझे कि, और मुझ मेरा विश्वास भी जायज़ था क्योंकि जब ऐसे ऐसे शब्दों से मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो स्वाभाविक विश्वास प्रगाढ़ हो गया। और जहाँ तक सवाल उठता है धोखा खाने का, हो सकता है उनके हिसाब से धोखा नहीं हो, मेरा दिल टूटा तो मैं धोखा ही मानता हूँ। मैं दिल से साथ था। तो दिल से साथ आप थे तो दिल से वो मान रहे थे कि तब ये मौका, मतलब एक जब सीट हुआ एनडीए में सीट बंटवारा हुआ तो आपके लिए एक सीट भी नहीं रह पाया? वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धोखा हुआ मेरे समझ में कहीं ना कहीं ऐसा, चूँकि पॉलिटिकल लोग जो पार्लियामेंट लड़ने लायक लोग थे उसमें हम थे, सतीश प्रसाद थे जिनको लॉकुस के प्रणेता के रूप में जाना जाता है नालंदा से, और रेणु कुशवाहा थी। तीन आदमी पॉलिटिकल फेस थे जो व्यापारी नहीं थे, लेकिन इन तीनों को कहाँ गाड़ दिया गया समझ में नहीं आया, क्यों गाड़ दिया गया समझ में नहीं आया, तो इसको धोखा ही मैं समझता हूँ। तो ये नुकसान कहीं पुराने दोस्त के चलते तो भी नहीं ये हुआ? हो सकता है, लेकिन जब इतने मजबूत नेता जो बराबर शेर की तरह दहाड़ते थे तो उनकी दहाड़ में मैं अपने को बड़ा मजबूत, संरक्षित, सुरक्षित मान रहा था कि नीतीश कुमार के सामने हमारा नेता भारी है, लेकिन जो परिणाम हुआ वो आपके सामने है। तो ये जो नारा निकले थे कि एनडीए से निकल गए थे 2000, आपको याद भी होगा 2020 का, कि बिहारी फर्स्ट, हम बिहार को बना देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद चुनाव लड़ा और जी जो हालत हुई उसके बाद जिस तरीके से पार्टी टूट और ये तमाम चीजें, आपने उनका साथ दिया, फिर आप कैसे, मतलब ये एक तरीके से दूरी कैसे हो गई? दूरी का तो साफ कारण है कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ उस पार्टी से, तो स्वाभाविक दूरी है। मैं महसूस करता था कि हमारे जैसे लोगों को पार्टी में जगह मिलने से, हम संसद होते तो मजबूत पार्टी होती और हम ज़्यादा मजबूती से पार्टी को करते। जैसे चिराग पासवान को आज टिकट नहीं मिलता तो फिर पार्टी कहाँ जाती? तो इसी तरीके से हमारी भी दावेदारी अनुचित होती तो मैं समझता, लेकिन दिल भी नहीं कह रहा है कि अनुचित नहीं है, कोई समझावे हमको तब भले। अभी तक तो ये समझता हूँ कि जिसे चिराग पासवान से पार्टी को मजबूती मिलनी थी वैसे ही रेणु कुशवाहा, सतीश प्रसाद या और कार्यकर्ता थे पार्टी के, छोटे कार्यकर्ता भी थे, ये नहीं कि सब एमपी एमएलए को ही मिलता, तो कहीं भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि वैसे लोग, और जिसके बारे में वो कहते थे कि जो अभी पार्टी तोड़ने का काम किए हैं उन लोगों को जगह नहीं मिलेगी, तो उनको भी जगह मजबूती से मिली और पैसे वाले लोग को ही टिकट ज़्यादातर मिल जा रहा है। पैसे की भूमिका होनी चाहिए, मगर इस तरीके से जहाँ अराजक पैसा हो जाता है तो अराजकता को पैदा करता है, अनब्राइडल्ड मनी पूंजी के रूप में आ रहा है, विचार पूंजी नहीं है। जहाँ विचार संवाहक नहीं हो समाज का, राजनीति का, वहाँ अराजकता को जन्म देता है। यहाँ विचार संवाहक नहीं है, पूंजी संवाहक, तो स्वाभाविक है उसके शिकार हमारे जैसे लोग होते रहेंगे।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार, और साफ तौर पर कहना है कि आगे जो कार्यकर्ता और जो हमारे सहयोगी है वो फैसला करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बताएंगे। कैमरा पर्सन बाबर के साथ मैं राजीव कमल, TV 45।